अरे ये खतरनाक पोकेमोन है, इफेक्टिव ही नहीं है कुछ भी। सीरियसली अरे भाई तो थोड़ा तो फाइट करने दो। खतरनाक लग रहा है। देखते हैं, हमारा वैसे तो इलेक्ट्रिक टाइप के सामने कुछ नहीं कर पाएगा ये। अरे नाइस, आधी हेल्थ कर दी इसकी, एचपी आधा हो चुका है। ओके ओके ओके, मैक्स वर्ल्ड क्रैश। यस, हम जीत गए। सुपर इफेक्टिव। मजा आ गया। अगर पिकाचू नहीं होता ना हमारे पास तो बहुत ही मुश्किल रहती है फाइट। नाइस, थैंक यू, गुड फाइट। तो सेकंड बैच मिल चुका है हमें हमारा। डू नॉट कीप द चेयरमैन वेटिंग, हेड टू द चड्डी मैन को वेट नहीं करवाना है हमें। सी फूड रेस्टोरेंट पे जाना है, वो वेट कर रहा है और उसने हमें अपना लीग कार्ड दिया। क्या बात है, थैंक यू। ओ, रोज का कार्ड था वो, रोज। ये चेयरमैन है, चड्डी मैन नहीं है। तो हमें दो बैच अपने मिल चुके गाइस। देखो, वाटर टाइप एंड ग्रास टाइप। अभी भी बहुत सारे बैच बाकी है, टोटल 8 बैचेस होते हैं। तो अभी हमें ये बैच मिला है, उसकी वजह से ओए साइकिल। तो उसकी वजह से हम लोग शायद लेवल 30 तक, देखो ये रहा, अब हम 30 लेवल तक के पोकेमोन पकड़ सकते हैं और 40 लेवल तक अपना सारे पोकेमोन को लेवल अप करवा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया। अगर 40 प्लस वाले पोकेमोन को अगर हमने लेवल अप 40 प्लस कर लिया ना तो वो कंट्रोल नहीं होगा हमसे। वो यहाँ पे जाना है हमें। मैं आ गया साइकिल लेके। चड्डी बन में साइकिल लेके आ गया। ओ, रेस्टोरेंट है ये, नाइस। ये कौन सा बोकेमोन है? पिकेश, पिकेश, कैश। वेलकम टू द सी फूड रेस्टोरेंट, द कैप्टन्स टेबल। की देखो वो रहा चड्डी मैन, वहाँ पे खड़ा है चड्डी पहन के। अरे मुझे कुछ खाना दो। ओए ओए ओए, खाना दो खाना। चेयरमैन रोज कम्स हियर इनकॉग्निटो बट द वर्ल्ड ऑलवेज गेट्स आउट व्हेन ही इज हियर। अच्छा, वो छिपके आता है यहाँ पे चेयरमैन चड्डी मैन, लेकिन लोगों को पता चल जाता है कब आता है। लेट्स सेलिब्रेट योर रिसेंट विक्ट्री। ये सेलिब्रेट करेंगे। हुई हुई, मस्त मस्त खाना मिलेगा। हर्बल इज अ सी फूड टाउन। यप, वो तो दिख ही रहा है। एवरीथिंग मेन्यू इज डिलीशियस। डिलीशियस है यहाँ पे, डिलीशियस। ये कुछ मिशन देगा हमें। कहाँ से लोग डायलॉग अपने बोलते हैं, ऐसे लिखते, लिख के आता है उसकी जगह पे। तीन तीन तीन, ओए होए, क्या रिटेलाइट, रिटेलाइट ऐसा ही कुछ। ओके, द यूजर गेट्स रिवेंज फॉर फेंटेड। हो क्या बताए, इफ अलाइव फेंटेड इन द प्रीवियस टर्न दिस मूव पावर इज इंक्रीज्ड। इतना काम का तो नहीं लग रहा है वैसे। ओके, हमें अच्छा अच्छा खाना मिला, मजा आ गया। चलो चड्डी मैन से बात भी करने मिले। ओए होप, होप वापस आ गया।
क्या है गलर माइंड नंबर टू अवर सेल्स वाइज से वी हेड टू गलर. अच्छा गलर माइंड नंबर टू पे जाना है हमें अभी नेक्स्ट. ओके तो यहाँ पे रास्ता ओपन हो चुका है अभी हमारे लिए गलर माइंड पे जाने के लिए, जो कि पहले ब्लॉक था हमें जाने नहीं दे रहे थे वो लोग. ये देखो ये चलो हुई हुई माइंड में आ गए. ये तो माइंड है यहाँ पर. यहाँ पर तो खतरनाक पोकेमोन मिलेंगे. ये कौन से पोकेमोन है भाई? भाग गया ये तो. ये डर के भाग रहे हैं पट्टू कहीं गए. मुझे तो लगा अरे विम्पोड विम्पोड 20 लेवल है इसका. इजी ले हरा देंगे. Nice. XP कैंडी यूज करो. हाँ अभी हम कैंडी यूज कर सकते हैं. अब तो लेवल 40 तक हम जा सकते हैं. चलो XP कैंडी यूज करते हैं गाइस. ये रही XP कैंडी 17 है हमारे पास. 4 मिलियन पे यूज करेंगे. एक से कितना लेवल अप होता है वैसे? 100 बस. हटो फिर तो सारी यूज कर लेते. मुझे लगा बहुत सारे लेवल अप होगा. चलो 16 कैंडी है 16 यूज करते. नाइस 27 लेवल हो गया 4 मिलियन का. एक्सपी कैंडी ये और भी 3 है ये वाली. इससे कितना लेवल अप होता है? ओ 800. वाह ये वाली बड़ी वाली कैंडी है. दोनों यूज कर लेते हैं कि हमें अपने 4 मिलियन को 4000 बनाना है गाइस. 4000 28 लेवल हो गया. डायनेमिक्स इंडिया कैंडी दैट इज पैक्ड विद एनर्जी व्हेन कंज्यूम इट विल रेज द डायनेमिक्स लेवल ऑफ अ सिंगल पोकेमोन बाय 1. के डायनेमिक्स कैंडी की जरूरत अभी यूज नहीं करते हम लोग. ये कौन से पोकेमोन है? बिनेकल. और रेयर कैंडी जो है वो अभी यूज नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि पिछले अभी के लेवल जो है ना वो इजीली हम बढ़ा पाएंगे, लेकिन जो पिछले लेवल होते हैं बहुत बहुत ही ज़्यादा एक्सपी चाहिए होते हैं, तो उसमें रेड कैंडी इजीली लेवल अप कर देगी. अरे ज़्यादा इफेक्टिव ही नहीं है. एंशियंट पावर वाह तो डेंजर पोकेमोन है. हम इसको पकड़ने की कोशिश करेंगे. ड्रैगन ब्रेथ अटैक. हो नाइस उसने फिर से एंशिएंट पावर यूज किया. अरे बहुत डैमेज कर रहा है ये तो. जल्दी से पकड़ना पड़ेगा. स्लैश अटैक या फिर इसको फेंट करना पड़ेगा. ओ नाइस अभी पकड़ने के लिए परफेक्ट है. वाटर गन यूज किया इसने. ओके पोकेबॉल नॉर्मल बॉल यूज करेंगे. गो एंड पकड़ लिया. नाइस न्यू पोकेमोन बिनेकल. रॉक टाइप एंड वाटर टाइप है ये. वाह सही है रॉक एंड वाटर दोनों है. इसको किसी की जगह पे रख सकते हैं क्या? अभी वाटर टाइप की हमें जरूरत नहीं है. नहीं ये स्लोपोक भी तो वाटर टाइप यूज करता है, तो ये वाटर एंड रॉक दोनों यूज करेगा तो ये अच्छा रहेगा. चलो हुई हुई वो क्या था पीछे अचानक? ये कौन आ गया? बेड़े बेड़े नो बेड़े से फिर से फाइट होने वाली है. आगे एक बार वहां पे माइन में फाइट हुई थी, अभी ये दूसरी माइन में फिर से फाइट हो गई है. You are stronger than me, then surely you would be up for Pokemon battle. Yes,
यस हम बैटल करेंगे। ओके इसके पास चार पोकेमोन है, चार। ओए ये कौन सा पोकेमोन है? चार मिलियन। चो 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 फायर फैंग अटैक। चार मिलियन के एचपी थोड़ा सा कम है हमारे, वो ऑलमोस्ट जाने वाला था। ओ नो वन हेल्थ। ओ नो चलो थोड़ा सा हील हुआ। नाइस जल्दी से फाइट खत्म करनी पड़ेगी एम्बर अटैक से। अरे उसने अपने पोकेमॉन का हील कर लिया, सीरियसली मुझे भी करना चाहिए था फिर तो। ओ नो वो बच गया। नो 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 मैं अपने पोकेमॉन का हील करूंगा। अरे ज्यादा हेल्थ नहीं बढ़ी। ओ नो तो ये फेंट हो जाएगा इस अटैक में। नहीं बेचारा चार मिलियन। खतरनाक पोकेमॉन है उसका। रेबूट गो बदला लो। रेबूट बदला लेगा इसका। डबल किक अटैक। एक ही किक में फेंट। उसके बाद अभी भी तीन पोकेमॉन है। पहला पोकेमॉन इतना पावरफुल था, बाकी कितने पावरफुल होंगे? ओके कीप करंट पोकेमॉन। यस गोथिटा यूज की उसने। शायद इसके ऊपर एम्बर अटैक ज्यादा पावरफुल हो। ओके नाइस उसको बर्न भी कर दिया है, बहुत ही बढ़िया। अरे सबके पास ये वाले अटैक है। ओके यस इसके ऊपर ज्यादा इफेक्टिव नहीं, अच्छी बात है। और वो जल भी गया है बेचारा, बर्न हो गया है। फ्लेम चार्ज नाइस, सुपर इफेक्टिव, बहुत ही बढ़िया। हेडबट, किसने हेडबट सीखा है? स्लोपोक ने हेडबट सीखा। ओके कन्फ्यूजन की जगह पे सिखा सकते हैं हम लोग, फिर ये यौन की जगह पे सिखा सकते हैं। ये यौन जरूरी है क्योंकि वो यौन उबासी लाके उनको सुला देता है सामने वाले पोकेमॉन को। और साइकिक अटैक भी अच्छा है, हेडबट ज्यादा पावरफुल है। लेकिन चलो कन्फ्यूजन की जगह पे हेडबट सिखाते हैं। ओके तो स्लो पोक ने नया मूव सीख लिया। स्विच योर पोकेमॉन। नो हटेना नाम है इसका। चलो फ्लेम चार्ज यूज करते। ओ फ्लेम चार्ज सुपर इफेक्टिव है सारे पोकेमॉन के सामने अभी। इट्स नॉट एवरी डे आई गेट टू बैटल यू, सो आई सपोज आई मे क्या हरी रे। इसके पावर बहुत ही डेंजर पावर लेके आई है। डबल किक। अरे डबल किक ज्यादा इफेक्टिव नहीं है लेकिन। ये साइकिक अटैक बहुत डेंजर है इसके। स्विफ्ट अटैक यस ये भी गया। ओके उसका फाइनल पोकेमॉन बाकी है अभी। पोनियेटा। अच्छा इसके सामने पिकाचू को भेजते फिर तो इजी रहेगा। गो पिकाचू। हमारे चार बिलियन का बदला लो सब लोग। पन्नेटा इलेक्ट्रोबॉल अटैक। नाइस मेरा कंफ्यूजन यूज कर रहा है।
की इलेक्ट्रो वेब अटैक। वो बहुत ही बढ़िया, और इसकी स्पीड भी कम हो गई। एंड स्पार्क अटैक से कंप्लीट करते हैं, जीत गए। नाइस, बहुत ही बढ़िया, मस्त फाइट थी जी। बेड़े को हरा दिया हमने, बेचारा गुस्सा हो गया है, उसको लग रहा था वो हमें हरा सकता है, हमें हरा देगा करके कितना गुस्सा कर रहा है देखो। क्या दिया, लीग कार्ड, बेडेज लीग कार्ड मिला हमें। नाइस, नाउ वेयर शुड आई गो नेक्स्ट टू कलेक्ट विशिंग स्टार। ये विशिंग स्टार कलेक्ट करने जा रहा है कि उसका कार्ड देखते हैं हम लोग। ओके 908 बेडे, बेडे कैसा नाम है बेडे। चलो गाइस तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर वैसे वाटर टाइप पोकेमोन केव के अंदर कौन से है वो देखते हैं हम लोग। ओ पकड़ो पकड़ो, कौन सा है ये? अरे इलेक्ट्रिक ईल टाइप का ही है तो। बराबच नाम है इसका, बराबच। स्विफ्ट टेक सुपर, एक्वा टेल यूज किया उसने। अरे सीरियसली खतरनाक मार पड़ी, हमारा रेबूट भी फेंट हो गया बेचारा। चलो यूज नेक्स्ट पोकेमोन, पिकाज यूज करेंगे तो ओवर पावर हो जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि हमें इसको पकड़ने की कोशिश करनी है गाइस। पिकाचू सीधा उसको फेंट कर देगा, फिर नहीं पकड़ पाएंगे हम। ओके वाटर पल्स अटैक, ओके उसको चक्कर आ गए वो कंफ्यूज हो गया अभी। अब इसके ऊपर एसिड अटैक करेंगे। चीऊ चीऊ कैसे चिड़िया क्या, अरे ओके उसका अटैक फेल हो गया हम पे। अरे एसिड अटैक का कुछ इफेक्ट ही नहीं हुआ, वाह। चलो यौन अटैक करते ताकि वो सो जाए फिर। उबासी अभी से हो जाएगा नेक्स्ट टर्न में वो। हेड बट यूज करेंगे तो शायद वो फेंट हो सकता है, वाटर पल्स यूज करते हैं। अरे उसने भी खतरनाक अटैक किया हम पे वाटर पल्स। अभी सो जाओ, चलो सो गया, नाइस हो गया वो। अब हम उसके ऊपर पोकेबॉल फेंक सकते हैं। गो पोकेबॉल, डिंग डिंग डिंग। अरे सीरियसली, वाह सो रहा है फिर भी बच्चे छोट गया। अरे सोते हुए अटैक कर रहा है तो, नींद से, अरे नींद में अटैक कर रहा है, खतरनाक पोके बोल है तो। हमें ग्रेट बॉल यूज करना चाहिए, चलो ग्रेट बॉल। नाइस पकड़ लिया, डिंग 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 डिंग। ये वाटर एंड ग्राउंड टाइप पके बने, ये सही है वाटर एंड ग्राउंड, वाह। चलो अभी इसको अभी के लिए बॉक्स में भेज देते। डिंग 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 डिंग। ये क्या है, ओए ओए वो क्या था, स्टन फिक्स, स्टन फ्लिक्स नाम है इसका। ठीक है ये काटेगा क्या मुझे, इलेक्ट्रो वेब अटैक। अरे ये क्या किया, डिफेंस फेल हो गया हमारा, और अटैक भी यूज नहीं कर पाए हम लोग। क्विक अटैक, अरे कुछ भी इफेक्ट नहीं हुआ इसको।
ओह नो सीरियसली रिवेंज अटैक खतरनाक था इसका तो. वाओ टॉक्सेल नहीं रुको कौन से, चलो टॉक्सेल को ही भेजना पड़ेगा. हमारे दो मेन पोकेमोन नहीं तीन पे मेन पोकेमोन फेंट हो चुके हैं, अभी तीन ही बच्चे हमारे पास और उसमें दो की हेल्थ कम है. हमें हील करना पड़ेगा अपने पोकेमोन को जाके बाद में. ओके एसिड अटैक देखते कितना पावरफुल है. और ये तो धुलाई कर रहा है. वाह उसके ऊपर कुछ इफेक्ट ही नहीं हुआ. भागो यहाँ से भाग जाओ. उसके उसके साथ पंगा नहीं ले रहा है. मैं हील करने जा रहा हूँ अपने पोकेमोन वापस. ओके अब हमारे पोकेमोन फुल्ली रिस्टोर हो चुके हैं, अब किसी से भी फाइट कर पाएंगे. वो क्यूट सा पोकेमोन हमारे पीछे पड़ा था वो कहाँ चला गया. ये क्यों भाग गया वे वापस आओ. ये रहा क्यूट वाला. वे चड्डी मास्टर क्या स्कैरगी नाम है इसके. स्कैरगी ड्रैगन ब्रेथ अटैक. ओके देखते सैंड अटैक यूज किया उसने. एक्यूरेसी फेल. ओके चलो एम्बर अटैक से बच के दिखाओ. अरे हमारा अटैक मिस हो गया. वाह उसने हमारी एक्यूरेसी डाउन कर दी. हमारा अटैक मिस हो गया. वाह फायर फैंग अटैक नाइस. वो जल भी गया है. अगर इसको पकड़ना है तो एक ही मौका है हमारे पास. एक में नहीं पकड़ा गया तो फिर नहीं पकड़ पाएंगे. क्योंकि वो जल रहा है तो पेंट हो जाएगा नेक्स्ट टर्न में. तो ग्रेट बॉल से सीधा पकड़ने की कोशिश करेंगे. ओके पकड़ा लिए पकड़ लिया इसको. नोइश 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 टिंग 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 टिंग. उसके पावर वगैरह देखते क्या पावर है उसके. पर उसका लेवल बहुत ही कम है 20 लेवल का. ये फाइटिंग पोकेमोन और डार्क टाइप पोकेमोन है. नाइस कि इसको हम बॉक्स में रख देते. रिकॉर्ड पोकेमोन था वो. रहा उड़ रहा है वो पोकेमोन को पकड़ना है मुझे उड़ने वाले को. रुको नो बेट नो बेट. ओके एम्बर अटैक ट्राई करते. बाइट यूज किया इसने. ज्यादा डैमेज नहीं हुआ हमें. मुझे इसको सिर्फ कम एचपी करनी है ताकि पकड़ पाए. विंग अटैक हुई हुई. स्लैश. ओए फेंट मत हो जाना. अरे नहीं फेंट हो गया. चलो कोई बात नहीं नहीं पकड़ पाए. ये फिर से आ गया. वो पीछे भाग रहा है ढूंढ ढूंढ करते हुए. इसको हराने की फिर से कोशिश करेगा. ये वाला बहुत ही डेंजर पोकेमोन है ग्राउंड में. ऐसा लगता है कि कुछ पड़ा हुआ है. उठाने जाते हैं और फिर हम पे अटैक कर देता है. चलो ट्राई करते इसको पकड़ने के लिए. ड्रैगन ब्रेथ अटैक. अरे ये खतरनाक पोकेमोन है. इफेक्टिव ही नहीं है कुछ भी. सीरियसली गाइस खतरनाक पोकेमोन है. या तो मुझे लग रहा है हम गलत मूव यूज कर रहे हैं. रुको
स्लो पॉप को यूज करे नहीं बिनेकल को यूज करते दिन 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 दिन। अरे भाई तो थोड़ा तो फाइट कर रहे तो कुछ भी यूज करने से पहले तो हेल्थ कम कर दी एनसेंट पावर ट्राई करते इसके सामने ये तो पकड़ना पड़ेगा अरे उप यूज ही नहीं करने दे रहा है कुछ भी उमर एक पोकेमोन फेंट भी हो गया स्लोपोक जाओ देखते स्लोपोक क्या कर सकता है इसके सामने बहुत ही डेंजर पोकेमोन फाइट फाइट वाटर पल्स नहीं हेडबट यूज करना था गड़बड़ हो गई वाटर पल्स ओह नो ज्यादा डैमेज भी नहीं है हेडबट अटैक करते अरे क्या मार रहा है ये सीरियसली वाटर टाइप इसके सामने कुछ भी नहीं है हाँ टॉक्सिल रॉक टाइप भी नहीं चल रहा है टॉक्सिल भी नहीं चलेगा शायद तो बहुत ही डेंजर पोकेमोन है ये मुझे इन्फॉर्मेशन देखने दो टर्न फिक्स हमारे पास कुछ भी इन्फो नहीं है इसके क्योंकि हमने पकड़ा नहीं एक भी बार एसिड अटैक ये अटैक ही नहीं करने दे रहा है वाह इसको हम पकड़ के रहेंगे कुछ भी हो जाए फ्लेम चार्ज नाइस ये हुई ना बात ओके एक और अच्छा अटैक जिससे उसकी एचपी कम हो जाए थोड़ी सी एचपी रेड में लाना है स्विफ्ट अटैक ट्राई करते अरे हमने अटैक यूज किया उससे पहले तो धुलाई करी अरे यार ज्यादा कम नहीं किया एम्बर यूज करूंगा तो फेंट हो जाएगा शायद अरे एम्बर ट्राई करते चलो नहीं फेंट हो गया पागल अरे यार ज्यादा इफेक्टिव मतलब फायर यूज करना इसके सामने अब समझ में आया क्या फाइट थी लेकिन मजा आया मैं फिर से पोकेमोन को हील करके फिर से आता हूँ यहाँ पे ये फिर से मिलेगा हमें इसको तो पकड़ के ही रहेंगे गाइस बहुत ही मस्त पावरफुल है ये कोई भी पोकेमोन इसके सामने नहीं टिक रहा है सिर्फ फायर टाइप के अलावा साइकिल तो भूल ही गए थे स्पीड में जाने के लिए यस आ जाओ फाइट करने अब तो पकड़ के ही रहूंगा स्टक फिश कही गए ओके एम्बर अटैक यूज करते हैं पहले ही ये हुई ना बात उसने रिवेंज लिया बहुत डैमेज पड़ेगा ओके ज्यादा डैमेज नहीं हुआ नाइस अब क्या यूज करूं इसके सामने एक और एम्बर अटैक करते शायद वो बच जाए क्या करे यूज करेंगे एक और एम्बर वो फेंट हो गया तो फायर फेंग ट्राई करते यस परफेक्ट अब हम उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे 25 लेवल का है वो भी ओके गो पोकेबॉल ग्रेट बॉल तो भाई जब यूज करते हैं उसके नीचे देखो लिखा रहता है इफेक्टिव है या नहीं अच्छा नाइस यस पकड़ लिया इसको हमारे साथ रखेंगे हम मस्त पोकेमोन है ये
सिर्फ फायर टाइप के सामने कमजोर है। ग्राउंड टाइप एंड स्टील टाइप पोकेमोन है ये। वाव वाव यार, बिने कल मुझे फालतू पोकेमोन लगा वैसे। इसी की जगह पे रखेंगे, क्या करें। चलो स्लो पोक को हटाते, वैसे भी सुलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। चलो अभी इसको हील करके आते। ओए ओए हटो बीच में से,